स्टूडेंट कुछ लोग बोलते सकते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इसमें बोला है डिवाइड 96 इनटू 4 पार्ट, फिर से बोला है एपी का। अब 4 पार्ट कौन सा होता है आपको स्टूडेंट, 4 कौन सा नंबर है इसको आप लिख सकते हैं, 4 कंसेक्यूटिव, 4 कंसेक्यूटिव पार्ट बी। स्टूडेंट बस क्या हो गया ए माइनस डी डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। चलिए हम चारों लिख लिया। अब डिवाइड बोला मतलब इसको बांटा, चारों को 96 से बांट रहा है, चारों को एक साथ 96 को बांट रहा है इसमें। अगर चारों एक साथ बांटेगा तो एक साथ मतलब क्या स्टूडेंट प्लस, स्टूडेंट क्या होगा ए माइनस थ्री डी प्लस, क्योंकि चारों मिलके इसको बांट रहा है ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 96। तो स्टूडेंट यहां पर प्रोसेस में आपको तो प्लस थ्री डी माइनस, देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, 1 2 3 4 फोर ए इक्वल टू 96 इक्वल टू 4 2 8 4 4 16। तो आपके ए का वैल्यू है 24, क्या वैल्यू क्या है 24। अब क्या बोला है अब रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सी, स्टूडेंट रेशियो बोल दिया कोई बात नहीं, रेशियो लेते हैं सो लिखते रेशियो फॉर्म में ए माइनस थ्री डी रेशियो ए माइनस डी, स्टूडेंट प्रोपोर्शन होगा चार है एक दो तीन चार प्रोपोर्शन यूज करते हैं ए प्लस डी, क्यों प्रोपोर्शन यूज किया हमारा इसमें ए प्लस थ्री डी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है एंड द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन और एक्सट्रीम, मीन और एक्सट्रीम का मतलब जब प्रोपोर्शन होता है, जब प्रोपोर्शनल साइन होता है फर्स्ट दो लास्ट दो उसमें क्या होता है स्टूडेंट आपका मीन भी आता है मीन प्रोपोर्शनल और एक्सट्रीम दोनों आता है। चलो स्टूडेंट प्रोडक्ट बिटवीन देयर मीन, मीन मतलब एक्सट्रीम बीच का, इन दोनों का रेशियो ऊपर आएगा, रेशियो क्या दोनों रेशियो क्या है ऊपर आएगा टू का मतलब क्या स्टूडेंट टू का मतलब क्या है डिवाइडेड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब क्या स्टूडेंट फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं ए माइनस डी ये दोनों का प्रोडक्ट ए प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्सट्रीम मतलब बाहर का स्टूडेंट, एक्सट्रीम मतलब क्या है बाहर ये और वो दो बाहर, मीन क्या है बीच का, इसमें मैंने क्या किया ए माइनस थ्री डी ए प्लस थ्री डी इक्वल टू क्या था स्टूडेंट रेशियो क्या था मीन का 15, मीन मतलब ऊपर का 15 एक्सट्रीम का है 7, 15 रेशियो 7 मतलब 15 बाय 7 रेशियो मतलब डिवाइड फॉर्म में। चलो स्टूडेंट यहां पर कर लिया मैंने तो आप स्टूडेंट्स का कैपेसिटी देखिए अभी चलिए पार्ट में डाल देते हैं ए का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट लिख लेते हैं ए का वैल्यू क्या स्टूडेंट 24 क्योंकि मुझे क्या पता स्टूडेंट इसका जो पार्ट डिवाइड 96 इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट को निकालना है चारों पार्ट का निकालना है तो बड़ी बात है जो मिल गया है उसको बढ़ा दे स्टूडेंट ये मिल चुका है। अब स्टूडेंट यहां देखिए ये कुछ फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो स्टूडेंट क्या देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे भी सेम स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर,
equal to 15 by 7. इसमें तो यहां पर आपको फॉर्मूला है इजी याद है. स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट 9 डी स्क्वायर 15 बाय 7. स्टूडेंट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ठीक है स्टूडेंट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है स्टूडेंट तो आप अगर क्रॉस करेंगे स्टूडेंट आप ध्यान रखना यहां पर फर्स्ट इसको क्रॉस कर दें 15 ए स्क्वायर 59 सर स्टूडेंट आप देखिए 15 इंटू 9 9 फाइव सर 45 5 4 कैरी 13 135 डी स्क्वायर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 7 से 7 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर चलो स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको इजी है यहां पर ठीक है. अब हम यहां पर थोड़ा देखिए स्टूडेंट ये क्या है 7 स्क्वायर प्लस था यहां देखिए माइनस हो जाएगा 15 ए स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अगर ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा 135 डी स्क्वायर. चलो स्टूडेंट आराम से करना है 15 से अगर 7 को माइनस किया तो कितना आएगा 8 आएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर इक्वल टू 135 से 7 माइनस किया तो कितना आएगा 128 डी स्क्वायर. अब इसमें यहां पर देख सकते हैं ए स्क्वायर अब एक मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट 8 1 जा 8 6 जा 48 तो यहां पर आपको फॉर्मूला स्टूडेंट इजी याद है तो आप याद देख सकते स्क्वायर ए स्क्वायर 16 डी स्क्वायर. अब ये स्टूडेंट यहां पर स्क्वायर है तो वहां से क्या स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 डी स्क्वायर. अब स्टूडेंट 16 जो है 16 का वैल्यू स्टूडेंट 4 का है तो आपका ए का वैल्यू क्या है 16 मतलब 4 डी स्क्वायर में से एक सिंगल डी. आपको इसमें आंसर दिख रहा है प्रॉब्लम में अंदर फर्स्ट में यहां ध्यान रखना रूट से जो बाहर निकलेगा वैल्यू क्या होगा 2 आएगा क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट में प्लस माइनस 16 मतलब 4 डी स्क्वायर से डी मतलब प्लस माइनस 4 डी. अब यहां से एग्जाम इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा. चलो इसमें मैं डी का वैल्यू निकाल दो यहां से ए इक्वल टू प्लस डी ए इक्वल टू और ए इक्वल टू प्लस 4 डी ए इक्वल टू माइनस 4 डी. स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए का वैल्यू 24 डिवाइड बाय 4 तो इसमें आपका डी का वैल्यू क्या है 4 6 है तो आपका डी का वैल्यू है 6. तो यहां भी सेम है ए का वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय माइनस 4 तो आपका डी का वैल्यू है 4 6 माइनस 6 डी का वैल्यू कैसे में माइनस 6. अरे वाह बहुत अच्छा है एक प्लस 6 आया माइनस 6 आया और ए भी आ गया और तो जीता ही स्टूडेंट ना तो आराम से जा सकता है ठीक है स्टूडेंट. तो वैल्यू क्वेश्चन ज्यादा है पर इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट ये सब. चलो डी का तो वैल्यू हो गया ए प्लस डी ए के स्टूडेंट माइनस डी ठीक स्टूडेंट. अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट ठीक स्टूडेंट. अब मेरा वैल्यू जो आएगा अब डी का वैल्यू क्या है फर्स्ट है 6 है दूसरा क्या है डी इक्वल टू माइनस 6 ठीक स्टूडेंट. तो अब इसका वैल्यू लिखने के लिए क्या सकते स्टूडेंट फर्स्ट है स्टूडेंट कितने हैं फर्स्ट नंबर a माइनस d कितना है 24 माइनस 3 इंटू d कितना है 6 तो आपका 6 आएगा
सेकेंड नंबर होगा 24 माइनस 6. सेकेंड स्टूडेंट 24 माइनस 6, तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट आपका 18. थर्ड नंबर क्या था स्टूडेंट, ए कॉस डी, ये कितना है 24, डी डी था 6, तो आप पहले का स्टूडेंट 30 आया. और लास्ट के स्टूडेंट फोर्थ नंबर, अब फोर्थ नंबर का आंसर स्टूडेंट ए प्लस 3d, ए था 24, 3 × 6 स्टूडेंट 3 × 6 24 + 18, तो आपका आंसर क्या स्टूडेंट 42. कितना आंसर स्टूडेंट, यहां चुका है 6, 18, 30, 42. अब नेक्स्ट करते हैं माइनस वाला का. फर्स्ट नंबर होगा स्टूडेंट ए था 24 माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस 6. स्टूडेंट कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 + 18. स्टूडेंट उल्टा होगा, देखिए स्टूडेंट यही चीज उल्टा ही होगा. फर्स्ट अब आएगा सेकेंड नंबर, अब सेकेंड नंबर क्या स्टूडेंट ए, ए था 24 माइनस डी माइनस 6, तो 24 + 6 तो स्टूडेंट कितना आएगा 30 सेकेंड नंबर. उसके बाद आएगा स्टूडेंट थर्ड नंबर 24 ब्रैकेट स्टूडेंट माइनस 6, स्टूडेंट कितना इसका आंसर 18. अब लास्ट स्टूडेंट फोर्थ नंबर ए, ए था 24 3 × d, डी था माइनस 6, तो आंसर स्टूडेंट आंसर 6 देखिए स्टूडेंट उल्टा 6 से लेकर 42, 42 में देखिए स्टूडेंट 6 आसान था स्टूडेंट. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड फाइव नंबर स्टूडेंट, पांच नंबर पूछ रहा है इसमें एपी में, अरे वाह ये तो पांच नंबर का क्वेश्चन और क्या है. तो स्टूडेंट ले फाइव कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी, पांच कॉन्सिक्यूटिव नंबर स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता स्टूडेंट ए माइनस 2d ए माइनस डी स्टूडेंट, सो क्या स्टूडेंट और ए आएगा बीच का ए मिडिल होता है, आप स्टूडेंट फॉर्मूला करते हैं तो क्या बन जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d. देखिए स्टूडेंट ए दो तीन चार पांच नंबर, अब क्या स्टूडेंट भू सम, अरे वाह ये सभी का सम बोला है, सम का क्या स्टूडेंट प्लस करना है, सम ऑफ फाइव कॉन्सिक्यूटिव नंबर छोटा बदल से सम 12 बोला है, पांच को प्लस करना है, तो आप यहां पे से स्टूडेंट ए माइनस 2d ए माइनस डी प्लस ए ए प्लस डी ए प्लस 2d इक्वल टू 12 स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देख सकते हैं माइनस 2d प्लस 2d कटेगा माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, कितने स्टूडेंट यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट, तो आपका वैल्यू था स्टूडेंट थोड़ा सा यहां पर आप मिस्टेक स्टूडेंट
अब यहाँ देखिए स्टूडेंट 12 अब उसमें प्रिंट नहीं है 12 1 बाय 2 स्टूडेंट बुक में प्रिंट नहीं है 12 1 बाय 2 देखिए बुक में बहुत गैप है 25 बाय 2 इसमें 25 बाय 2 इसमें गैप स्टूडेंट गैप बड़ा दिया है वैसे कोई गैप ज्यादा दिया है तो वहां कोई मिसिंग है अपने यहां ठीक है तो स्पेसिफिक बता है 1 2 3 4 5 तो स्टूडेंट 5 a 25 बाय 2 स्टूडेंट देखिए इसका 12 1 बाय 2 क्वेश्चन में ठीक है स्टूडेंट जो थोड़ा सा मिस्टेक था इसको मैं चेंज कर दूं तो आपका ए का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 25 बाय 2 ये देखिए अब ये 5 बाय 1 है ये वहां पर जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाय 5 5 5 से 25 ठीक है स्टूडेंट इसमें आपका वैल्यू कितना आएगा ए का वैल्यू 5 बाय 2 ए का वैल्यू आ गया स्टूडेंट 5 बाय 2 अगर ए का आ गया स्टूडेंट अब क्या है मुझे डी निकालना है तो ये बहुत आसान है डी निकालने का तरीका तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका रेशियो ऑफ दी फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म तो फर्स्ट कौन यहां पर है फर्स्ट ये है लास्ट ये तो स्टूडेंट आगे हम दिखा सकते हैं फर्स्ट टर्म और स्टूडेंट क्या था लास्ट टर्म रेशियो बोला रेशियो के इसमें डिवाइड लास्ट टर्म इक्वल टू 2 बाई 3 तो आपका फर्स्ट टर्म है तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 2d और लास्ट टर्म है a प्लस 2d इक्वल टू 2 बाई 3 ठीक है स्टूडेंट तो यहां पर आपको प्रॉब्लम है स्टूडेंट चलिए इसको मिटा देते हैं ये पार्ट तो स्टूडेंट ई का वैल्यू क्या आ गया 5 बाय 2 ई का वैल्यू कितना स्टूडेंट 5 बाय 2 आया क्योंकि आपको पता है ए और बी के रिलेशन आज आ गया अब इसी पार्ट के लिए सॉल्व करते स्टूडेंट ए माइनस 2d को स्टूडेंट किससे करेंगे स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से करते हैं और इधर का आएगा 2 मल्टीप्लाई ए प्लस 2d इसमें तो आगे देख सकते स्टूडेंट तो यहां तो प्रॉब्लम है स्टूडेंट 3a माइनस 6d 2a 2 जा 4d यहां तो प्रॉब्लम है स्टूडेंट इजी है अगर तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3a से 2a माइनस हो जाएगा 4d अगर प्लस है यहां पर माइनस है तो क्या है प्लस 6d इसमें तो आप क्या देख सकते हैं e equal to 10d तो स्टूडेंट यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहां क्या स्टूडेंट e का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम क्या स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू क्या ना स्टूडेंट e equal to 5 by 2 तो स्टूडेंट यहां देख सकते हैं क्या जगह पे 5 by 2 equal to 10d ठीक है स्टूडेंट अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट स्टूडेंट इसको अब मेरा आंसर बहुत मस्ती के स्टूडेंट क्योंकि जो चीज मल्टीप्लाई होता है ठीक है 10 बाई 1 तो वहां जाके क्या स्टूडेंट 1 का 10 हो जाएगा 5 बाय 2 इंटू 1 बाय 10 ये हो जाएगा 5 बाय 5 5 टू 10 तो बी का आंसर 1 बाय 4 अरे वाह कितना अच्छा है ए का भी आ गया डी के भी आ गया स्टूडेंट डी को लिखने का सबसे छोटे नंबर डी था 1 बाय 4 ए डी दो आ गया अब मुझे वैल्यू निकालना है तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं आराम से तो फर्स्ट नंबर स्टूडेंट आप फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट नंबर अब फर्स्ट नंबर क्या था स्टूडेंट ए था 5 बाय 2 फर्स्ट नंबर ये था माइनस 2 इंटू 1 बाई 4
तो यहां से कोई कॉलेज में आपको टू वन टू टू जो फोर फाइव बाय टू माइनस वन बाय टू स्टूडेंट कितना है फोर बाय टू आंसर ओनली टू फर्स्ट नंबर आ गया। अब आएगा सेकेंड नंबर स्टूडेंट ए माइनस बी ए था फाइव बाय टू बी था वन बाय फोर क्योंकि ए माइनस जी तब एलसीएम क्या स्टूडेंट का फोर ही रहेगा टू टेन माइनस वन नाइन बाय फोर अब नाइन बाय फोर का स्टूडेंट हम आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट मिक्स फॉर्म में भी फोर टू जे एट प्लस वन नाइन तो मेरा सेकेंड भी रेडी हो गया। अब आएगा थर्ड नंबर थर्ड नंबर तो बेचारा कुछ बचा ही है ए ए में क्या है फाइव बाय टू इसमें क्या टू वन बाय टू स्टूडेंट थर्ड हो गया। अब मेरा दो बाकी है फोर्थ और फिफ्थ सुनो स्टूडेंट फोर्थ भी दिखाया जाए स्टूडेंट क्या होगा फोर्थ नंबर अब फोर्थ नंबर क्या है स्टूडेंट ए प्लस डी फाइव बाय टू प्लस वन बाय फोर स्टूडेंट फोर आएगा टेन प्लस वन इलेवन बाय फोर आज में आपको इलेवन टू लिखना आता है फोर टू जे टू थ्री बाय फोर ठीक है स्टूडेंट। अब लास्ट है फिफ्थ नंबर अरे वाह फिफ्थ नंबर कहानी कहनी फिफ्थ नंबर ए ए में क्या स्टूडेंट फाइव बाय टू प्लस टू इंटू डी डी था बस स्टूडेंट फ्रैक्शन नंबर जैसे आपको थोड़ा नंबर दे रहा है ये तो आसानी था स्टूडेंट ये टू वन बाय टू तो फाइव बाय टू प्लस वन बाय टू तो आंसर आएगा सिक्स बाय टू आंसर क्या स्टूडेंट आंसर थ्री बस इतने आंसर स्टूडेंट ठीक है। स्टूडेंट अभी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ये बहुत आसान है स्टूडेंट ये नंबर वन से ही है स्प्लिट 270 मतलब 207 को स्प्लिट करना है ठीक स्टूडेंट स्प्लिटिंग मतलब मिडिल टर्म नहीं स्टूडेंट तोड़ना इनटू थ्री पार्ट तीन पार्ट में तोड़ना है स्टूडेंट तीन पार्ट में तो पता है आपको स्टूडेंट लें थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या स्टूडेंट आपको पता ये चीज तीन होने से बहुत आसान है स्टूडेंट फर्स्ट आएगा ए माइनस डी दूसरा ए आएगा तीसरा क्या है ए प्लस डी आप क्वेश्चन में बोला है स्प्लिट इसको तोड़ा गया है तीन पार्ट में तोड़ा गया तीन पार्ट एक साथ तोड़ा गया तीन पार्ट में एक साथ इसको तीन जन एक साथ तोड़ा एक साथ तोड़ने से क्या तुम्हें प्लस होता है स्टूडेंट क्या आएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 207 तो यहां पर कौन स्टूडेंट इजी है माइनस डी प्लस डी का 3a 207 a का वैल्यू है 3 207 डिवाइड बाय 3 36 18 39 27 69 तो e का वैल्यू 8 का स्क्वायर है जस्ट कैंसिल किया तो स्टूडेंट कितना है 69 कोई बात नहीं स्टूडेंट लिख लेते हैं a इक्वल टू 69 साइड में स्क्वायर ठीक है बेटा वैसे नहीं मेरी क्लियर है साइड का। अब क्या बोल रहे हैं एंड द प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो जानते हैं मल्टीप्लाई किसका टू स्मॉलर पार्ट दो छोटा छोटा कौन है ये और ये छोटा इतना बड़ा है ये दो छोटा है दोनों क्या होगा प्रोडक्ट बोला है तो स्टूडेंट क्या होगा ए माइनस डी इंटू ए इक्वल टू 4623 अब ए का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट ए का वैल्यू क्या 69 माइनस स्टूडेंट
डी होगा इंटू 69 इक्वल टू 4623। स्टूडेंट अपने मल्टीप्लाई है 69 क्या होता है डिवाइड होगा तो सो हम क्या करेंगे 69 माइनस डी 4623 डिवाइडेड तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 4623 डिवाइडेड बाय 69 तो स्टूडेंट 4623 को अगर मैंने 69 से किया तो आप देख सकते स्टूडेंट 69 को अगर स्टूडेंट 6 से 9 6 इक्वल 4 5 कैरी 36 प्लस 5 414 6 414 12 483 आप इसको अभी याद देख सकते हैं 69 7 63 6 कैरी 42 प्लस 6 48 7 483 स्टूडेंट ये डिवाइड कर रहा है आराम से कितना स्टूडेंट 67 ठीक है स्टूडेंट तो आप यहां देख सकते हैं माइनस डी 67 माइनस 69 माइनस डी माइनस टू देखिए 69 से अगर 67 किया 2 आएगा कट जाएगा तो डी का वैल्यू 2 तो यहां पर कौन से ए का भी आ गया डी का भी आ गया डी था 2 किसमें अब क्या उसमें वैल्यू को पुट करना है क्या वैल्यू को पुट करना है चलो हम सब आगे बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट ए माइनस डी 69 माइनस 2 तो ये होगा 67 सेकेंड नंबर होगा 69 थर्ड नंबर होगा 69 प्लस 2 स्टूडेंट 71 ठीक है बस ये स्टूडेंट अपना फाइनल आंसर है